जाता है कि किसी समय की बात है, दिल्ली के अंदर सेठ ताराचंद रहा करते हैं, जिनके नाम की ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई। भाई ताराचंद के साहूकार एक नहीं, क्यों? क्योंकि दान पुण्य में बड़ी श्रद्धा रहती थी। उनके इस नाम से उनका भाई हरिराम बहुत कटिया करता, वो नु सोचारता भाई सेठ ताराचंद तो फालतू धन ले रहा है, दुनिया फिर भी ताराचंद ताराचंद गावे। क्यों? क्योंकि वो दान कराया करता, हरिराम तो दान होया नहीं। अपनी सेठानी को कहता कि मैं उसका नाश करूंगा, कि मचा से जगत में सोर सेठानी उस ताराचंद के नाम का। ताराचंद के पास गया, केरे ताराचंद के, हाँ भाई हरिराम, केरे तने तो जुलम कर रखा है, केरे के जुलम कर रखा है, केकड़ा प्याऊ करवा दी, किते गौशाला खुलवा दी, किते पाठशाला बनवा दी। अरे इस पैसे ने न्यू खराब करेगा, तेरे एक छोरा भी है चंद्रगुप्त आ गयो के बरतेगा रहे लोगो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मानस ने राखी बीस के लिए एक ना लागे, कूड़ा की पांच कहेगा तो छठी दोहरे तो ला ले। क्यों करता खर्च फजूल, तेरे से भूल पैसा मूल जगत में प्यारा सा। सेठ ताराचंद दान पुण्य बंद कर देते, बंद करने ते करने भगवान के ऐसे हुए टोटा आ जाता है, और टोटा भी था सोगर दे तो बांस बांस दावे कि परदेशा ते चिट्ठी आई, ब्योंत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं सिर कर डाई का फिर। सोगर दे तो टोटे की चिट्ठी आवे, सेठ ताराचंद पढ़ रोए। वह दयावती सेठानी कहती है कि पियाजी रोए तो काम चल रहे को, एक काम करो कि गंगा स्नान के लिए जब गए थे आपका एक पगड़ी बदल यार मिला था मनसा सेठ, आप उस मनसा सेठ के पास चले जाओ और इस लड़के चंद्रगुप्त को ले जाओ, इस ने उनका गहना टेक दियो, 200 रुपये लेकर आ जियो। छाती पर पत्थर टेक गए अपने लड़के ने गहने टेकने के लिए। हालो हालो, जब अपने दोस्त मनसा सेठ के पास गया, मनसा ने बोला भाई हालो हालो, पैसे कितने ले ले ताराचंद पर, यो जुलम मत करावे। वह सेठानी न्यू कहने लगी, लड़का तेना लेना चाहिए, बदले में दुखेना चाहिए, मांगे सो दे देना चाहिए, पिया काम चलावण ने क्या मैं मांगे वो दे दो, पर छोरा गहने टेकोगे तो तारी दोस्ती पर लानत आ जाएगी। फिर सेठानी ने दिमाग लगाया, टोटा आ रहा है, दोनों धनी भी काल पा रहे हैं, तीसरा यो छोरा भी काल पाओगा। ने बोली कोई बात को नहीं, जब इस ताराचंद की ये इच्छा है तो लड़के ने यहां छोड़ जाएगा। सेठ ताराचंद 200 रुपए लेकर चलिया, छोरे ने गले तो कुर्ता पकड़ लिया के बाबू मैं अभी चल लूंगा। आख्या में पानी लेकर सेठ ताराचंद छुटाक कपड़ा चल पड़ता है, वो लड़का खड़िया खड़िया देखे तेरा बाबू छोड़ के गया, तेना गहने धर के गया है। समय बीतता गया, वो चंद्रगुप्त वहां रहते सहते 12 साल बीत जाते, 18 साल का हो गया। उस सेठ मनसा के दो लड़के थे, किरोड़ीमल और मरोड़ीमल, तीसरा गण टेक्योड़ हो गया चंद्रगुप्त। वो सेठ ने बोलिया किरोड़ी और मरोड़ी तैयार है, रूई के व्यापार के लिए सिंगल द्वीप में जाओ। ने बोलिया इतने साल तक हम जाते आए,
बारह साल हो लिए टूक पाड़ते नहीं है ना, कह देने चंद्रगुप्त का बड़ा चाचा ढाके पहली बार तेरे को किसी काम के लिए बोला गया। केस है मेरे गोचरी गा, केस है मेरे गोचरी काम, मेरी श्रद्धा ना से नाटन की, तू मेरे बाप धर्म का से। मैं जाऊंगा अपनी माँ के पास, गाने बोलियारी माँ मेरी धर्म की माँ है तू, बारह साल तने पाया जू, अठारह साल मेरी उम्र होगी, आज पहली बार प्रदेश जाऊं, कोई चीज मंगानी हो तो मंगा ले। इतिहास सुनाया जाता है चंद्रगुप्त का ब्याह, भाग नंबर दो, कैसे क्या कहता है सुनिए। हेलो 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 तेरा चंद्रगुप्त से ये 100 रुपए मिले बहुत आदरणीय चहल साहब, बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रेमी, 100 रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय कुलदीप मलिक साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, जोड़ी को सलाम है, बार बार धन्यवाद। चंद्रगुप्त की मां ने बोली, रे बेटा मन में के मंगाना, तेरी भाभी खड़ी है उनके पास जा, के बेरा कोई ऐसी चीज बता दे उन खातिर तू लिया हुए। क्या कहा, तेरे चेहरे की झलकी भाभी मैं कुछ तने मंगाना, गुरु मन सिंह पेड़ी अन
आदरणीय राजेश मास्टर जी, बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रेमी हमारे इस कार्यक्रम के स्टेज संचालक और बहुत अच्छे हास्य कलाकार भी, सतीश मास्टर जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। बड़ी मुश्किल थल का गाना